खबर जनपद पौड़ी से है, जहां पेट्रोल डालकर एक युवती को जिंदा जलाने वाले युवक को जिला न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। वहीं इस विषय में अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि 2008 के इस मामले में कलजी खाल के एक गांव में रहने वाले छात्रा, जब वह परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी तो रास्ते में एक युवक मनोज सिंह उर्फ बंटी ने उसका पीछा कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था। इस विभत्स घटना से पूरा प्रदेश सकते में आ गया था। अधजली स्थिति में युवती को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया था, जहां 23 दिसंबर 2018 को उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में शनिवार को जिला जज की अदालत ने मनोज सिंह को इस कृत्य के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं राज्य की सहायता राशि से मृतका की माँ को 2,00,000 रुपये अदा करने का भी अदालत ने आदेश दिया है। पौड़ी से मुकेश बछेदी की रिपोर्ट। मतलब 18 की 16 दिसंबर 2018 मेरी लड़की कॉलेज आई थी पेपर देने के लिए, प्रैक्टिकल चल रहे थे उसकी, तो मतलब ऐसी ऐसी घटना हुई थी। बहुत ही बुरी मौत हुई है मेरी बेटी की, और काफ़ी लंबे समय, मतलब 6 साल पूरे होने वाले हैं इस केस को, और लगातार हम आ रहे हैं तारीख पे। और मैं तो ये चाह रही थी कि मतलब उसको फांसी की सजा हो, जिस तरह से उसने मतलब मेरी बेटी को मारा है, और आगे जो समाज में संदेश जाए वो भी ऐसे जाए कि यदि कोई ऐसा करता है लड़कियों के साथ तो उसको कि ये सजा मिली है। अगर ऐसा बंदा छूट जाता है, ऐसा कातिल, तो ये समाज के लिए बहुत बुरी वो है। और लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी यदि ऐसा ऐसे दरिंदों को छूट मिल जाए। ये मामला पौड़ी से है, पौड़ी कोटदार रोड पर एक लड़की की पेट्रोल डालकर हत्या का था, और इसमें जो अभियुक्त था मनोज उर्फ बंटी, उसको आज न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया है, और 1,00,000 जुर्माना न देने पर 5 साल अतिरिक्त कारावास भोगने का निर्णय सुनाया है। और जो राज्य की जो सहायता राशि है उसमें से मृतका की माताजी को 2,00,000 रुपए अदा करने का भी इस फैसले में उनके द्वारा निर्णय दिया गया है।